हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर नितिन के आदर्श ब्लॉग। तो आज हम डिस्कशन करने वाले दो ट्राइपॉड के बारे में, जो कि बिगनर्स या फिर नए यूट्यूबर्स जो होते हैं ब्लॉगिंग के लिए अपने इक्विपमेंट्स ढूंढ रहे होते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देख रहे होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है, सबसे सस्ते कम रेट में आने वाले ऐसे ट्राइपॉड वगैरह इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं ताकि वो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकें। तो आज हम इन्हीं चीज़ों पर डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने काफ़ी दिन की रिसर्च के बाद, यानी काफ़ी दिन नहीं कहूँगा मैं, दो तीन दिन की रिसर्च के बाद मैं काफ़ी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, मेरे काफ़ी साथी थे, मेरे सर थे, और उनसे भी मैंने डिस्कशन किया इस बारे में कि मुझे कौन से ट्राइपॉड खरीदने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए। तो मैं तीन चार दिन मैंने बात करी यूट्यूब पे, काफ़ी मैंने वीडियोज़ देखे, ब्लॉग्स भी देखे कई लोगों के, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ भी मिले, काफ़ी अच्छे अच्छे ट्राइपॉड्स मिले। तो इतने दिन के बाद में मैंने सोचा कि मुझे दो ट्राइपॉड खरीदने चाहिए ताकि उसमें मेरे दोनों पर्पज़ यूज़फुल हो सके, यानी दोनों पर्पज़ से, यानी कहीं पे मैं अगर कुछ करना चाहता हूँ, यानी वीडियो शूट करना चाहता हूँ, तो इन दोनों को मद्देनज़र यानी देखते हुए मैंने दो ट्राइपॉड डिसाइड करे हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही यूज़फुल हैं सभी बिगनर्स के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये ब्लॉगिंग के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, नहीं, ये कोई भी घर के लिए भी यूज़ कर सकता है। घर पे कोई टिकटॉक रील वगैरह बना सकता है, बाहर जाते समय इनको गाड़ी वगैरह पे जैसे बैठे रहते हैं पीछे, जैसे कोई साथी अगर आप लेके जा रहे हो तो वो भी वीडियोज़ वगैरह शूट कर सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे हैं। तो आइए हम चलते हैं हमारे ट्राइपॉड्स की तरफ और देखते हैं कि हमने कौन से ट्राइपॉड डिसाइड करें जो कि आपको। चलिए, ये दोनों ट्राइपॉड है, अब हम इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे, अभी इनको आपके सामने ही ओपन किया जाएगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। ओके, पोर्टेबल ट्राइपॉड। ओके, फर्स्ट ट्राइपॉड ये रहेगा और सेकंड ट्राइपॉड अपना ये रहेगा डीवी, डिजिटेक डीवी ट्राइपॉड, जो कि इसका मॉडल नंबर रहेगा DTR 260GT। तो चलते हैं, अब इनको ओपन करते हैं, कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना है, आइए चलते हैं। तो चलो दोस्तों, अब देखते हैं, हमने ओपन कर लिया है दोनों ट्राइपॉड्स के बारे में, जानते हैं कि कौन सा कैसे यूज़ आएगा और कहाँ यूज़ करा जा सकता है, अपने लिए कैसे बेनिफिट रहेगा इसमें मंगाने में। ये अपना जो ट्राइपॉड है ये है डिजिटेक मिनी ट्राइपॉड, जो कि विथ 3 लेग्स बेस, जो कि इसमें एडजस्टेबल लेग्स भी हैं, हम इनको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इसके अंदर भी कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। इसके साथ में माउंट तो आया नहीं है, लेकिन हमें अलग से, अगर ओनली यही ट्राइपॉड खरीदना है तो हमें अलग से माउंट भी परचेस करना पड़ेगा। ओके, तो इसको साइड में रखते हैं, इसी के साथ में दूसरे ट्राइपॉड पे चलते हैं। ये है हमारा डिजिटेक, मॉडल नंबर रहेगा इसका DTR 260GT। ओके, तो इसके साथ में हमें डिजिटेक ने माउंट भी दिया है, साथ में प्लस एक रिमोट भी दिया है, जो कि हम इससे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं कहीं पर भी इसको एडजस्ट करके, और ये इजीली कहीं पे भी, आप कहीं पे भी ऊपर, यानी कोई हाइट पे अगर आप इसको लगाना चाहें तो ये फ्लेक्सिबल है बिल्कुल पूरा, आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं पे भी लटका सकते हैं, कहीं पे भी फ़ोटोज़ क्लिक करनी है या वीडियो बनाना है, स्लो मोशन वीडियो, टाइम लैप्स वीडियो बनाना है, तो ईजीली डोंट माइंड, आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आपकी मर्जी से, वैसे मानना तो मेरा है कि आप अपनी मर्जी से खरीद सकते हैं, बट ये दोनों ट्राइपॉड ऐसे हैं जो कि हर कोई ब्लॉगिंग के लिए जो स्टार्ट कर रहा है, बिगनर है या फिर घर में कोई वीडियो बनाना चाहता है कोई भी, तो आप इन दोनों ट्राइपॉड्स को परचेस कर सकते हैं। इन दोनों का ट्राइपॉड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बस ओनली आपको एक जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि ये अच्छा है या बुरा है, मैंने रिव्यू किया है, बाकी आप भी इन्हें यूज़ करके और मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है, मेरा नाम नितिन, आदर्श, मेरे दोनों ही नाम है एक्चुअली, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाना है। तो अभी एक चीज़ मैंने मिस हो गई, तो हम एक बार माउंट लगा करके आपको टेस्ट करवाएंगे कि क्या रहेगा इसका रिव्यू, फ़ोटोज़ कैसे क्लिक होती है, डिजिटेक ने जो हमें रिमोट दिया उसको यूज़ करके। ये देखिए, मैंने माउंट लगा दिया है ईजीली। ओके, तो ये मेरा फ़ोन है, हमने इसको ईजिली यहाँ पे सेटअप किया, ठीक है, और इसे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, देन देखिए, मैंने इसे ऑन किया, यहाँ से इधर स्विच है यहाँ पे, और इसने यहाँ पे इंडिकेट करना चालू कर दिया है। मैंने यहाँ पे गया, मैंने सेटिंग में जाकर के मैंने ब्लूटूथ ऑन किया, ब्लूटूथ ऑन करने के बाद में मैंने यहाँ पर सर्च किया। चलो अब बात करते हैं इनके प्राइस की।
हमने इसे अमेज़ोन से 399 का ऑर्डर किया था जो कि अमेज़ोन पे हमें मिला इजीली। आप जाके अमेज़ोन पे सर्च कर सकते हैं ट्राईपोड डिजिटेक का, इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। और सेम प्राइस का ये हमें मिला 399 का, जो कि आपको इजीली कहीं से भी, आप कोई से भी शहर से, कोई भी सिटी से 399 का परचेज कर सकते हैं। इजीली आपके घर पे एक दो दिन में डिलीवर हो जाएगा। और आजकल अमेज़ोन वाले काफ़ी फास्ट हो गए हैं, दो दिन में या 24 आवर्स में डिलीवरी कर देते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं या ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आएंगे, और बिगनर्स के लिए, यूट्यूब बिगनर्स के लिए आने वाले यानी वीडियोज़ में हम नई नई चीज़ें डिस्कशन करेंगे, नई नई चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, और ब्लॉगिंग के नए नए सामानों के बारे में या जो हम यानी इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी हमारा नया वीडियो आने वाला है, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन दबा लें जाने से पहले, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये ज़रूर बता दें। कोई कमी थी वीडियो में तो हम उसको आगे वाले वीडियो में आने वाले में सही करेंगे। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।